हेलो एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं तिल के लड्डू बनाने वाली हूं और आपके साथ एक ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो शायद आपने कभी ट्राई ना की हो। मैंने भी पहले कभी नहीं बनाया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन तिल के लड्डुओं को बनाने में ना कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही हमें ज़्यादा समय लगता है। ये लड्डू बड़ी आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। कम टाइम में बनाना है जिनको, उनके लिए और भी अच्छा है ये, क्योंकि जब हम तिल के लड्डू जैसे बनाते हैं चाशनी वाले तो वो कभी फूट जाते हैं या अच्छे से नहीं बनते, या फिर चाशनी कड़ी हो जाती है तो लड्डू बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाते हैं। पर आज मैं जैसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें ना ही ये लड्डू टाइट होंगे और ना ही फूटेंगे। बहुत ही अच्छा कम समय में बनने वाली स्वादिष्ट लड्डुओं की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने ससुराल में आके ये सीखा कि तिल के लड्डुओं में भी अदरक डाला जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये बहुत हेल्थी बनते हैं क्योंकि अभी ठंड काफ़ी पड़ रही है तो अदरक डालने से और भी पौष्टिक हो जाता है ये लड्डू। सबसे पहले हम कढ़ाई में तिल को भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें भूनना है 5 मिनट। उसके बाद तिल जब ठंडा हो जाए तब इसे मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद हम अदरक को छील कर उसे कीस लेंगे और इन किसे हुए अदरक को उस मिक्स में हम ऐड करना है, तिल के मिक्स में। ये जो मिक्स रेडी हो गया है इसमें हम गुड़ धीरे धीरे पीस कर उसे मिलाते जाएंगे। गुड़ पीसते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ये मिक्स मिलाते जाएंगे और लड्डू बांधते जाएंगे। बड़े आराम से बनते हैं ये लड्डू, टूटते भी नहीं हैं। तो लीजिए, तैयार है हेल्थी और स्वादिष्ट लड्डू। आप हफ्तों स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। और ठंड में आप डेली खाइए, इससे आप सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। आप इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपके यहाँ किस तरह से लड्डू बनाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।